गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द कार्सिनोमा इन सिट्यू इन दिस क्लास। कार्सिनोमा इन सिट्यू ये हमने नॉर्मल स्टेजेस ऑफ कैंसर जो है इसके अंदर भी पढ़ा है। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के थ्रू हमें क्या पता पड़ता है कि कार्सिनोमा इन सिट्यू का मतलब होता है कि केवल जो एक पर्टिकुलर लेयर है उसके अंदर कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होता है। ओनली जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर केवल कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होता है। इट मींस इस सेल के अंदर डिसप्लास्टिक चेंजेस नोटिफाई होते हैं, क्लियर। लेकिन इसके अंदर जो इन्वेसिव प्रोसीजर और मेटास्टेसिस प्रोसीजर यह दोनों एब्सेंट रहेंगे, क्लियर। सेकंड डायग्राम, एक लेयर है टिश्यू की, इसके अंदर नॉर्मल एक पर्टिकुलर इनर टिश्यू लेयर जो रहेगी इसके अंदर जो सेल है इसके अंदर डिसप्लास्टिक चेंजेस डेवलप हुआ है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक लेयर पे है, ठीक है। कार्सिनोमा इन सिट्यू जनरल इंट्रोडक्शन। इट मींस दिस अबनॉर्मल सेल ग्रो इन देयर नॉर्मल प्लेस थस इन सिट्यू। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मींस इन इट्स प्लेस, ठीक है। इट मींस कि जो अबनॉर्मल सेल है यह अपनी प्लेस पे है, ठीक है। और इन सिट्यू जो वर्ड है दैट कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मींस इन इट्स प्लेस, एक अपनी पर्टिकुलर जगह पर ही इसका लोकेशन है। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ अबनॉर्मल सेल दैट रिमेन इन द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फॉर्म्ड, दे हैव नॉट स्प्रेड। दिस अबनॉर्मल सेल मे बिकम कैंसर एंड स्प्रेड इन टू नियर बाई नॉर्मल टिश्यू, ऑल्सो कॉल्ड स्टेज जीरो डिजीज, ठीक है। इट मीन्स कि जो नॉर्मल कार्सिनोमा इन सिट्यू है इट इज ए अबनॉर्मल सेल जो मेनली अपने जहाँ पे यह बन रही है उसी जगह पे अपनी प्राइमरी साइट पर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर स्प्रेड जो है और इन्वेसिव प्रोसीजर है यह एब्सेंट होता है। और जब स्टेजेस ऑफ कैंसरस है इसके अंदर यह स्टेज जीरो के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है व्हाट स्टेज ऑफ कैंसर इन कार्सिनोमा इन सिट्यू। तो कार्सिनोमा इन सिट्यू जो है कैंसरस स्टेज के अंदर, हमने प्रीवियस भी बात बताया कि यह स्टेज जीरो के अंदर आता है, क्यों, क्योंकि यह नॉन इन्वेसिव है, नॉन इनफिल्ट्रेटिंग है और इंट्रा एपिथेलियल है, ठीक है। नॉन इनफिल्ट्रेटिंग मीन्स इसके अंदर जो प्रोलिफरेशन है वह नहीं है, ठीक है, केवल सेल के अंदर ही चेंजेस डेवलप हुआ है। उसके बाद नॉन इनवेसिव, नॉन इनवेसिव का मतलब कि जो चेंजेस हुए हैं सेल के अंदर यह है नियर बाय ऑर्गन के अंदर या नियर बाय टिश्यू के अंदर इन्वेशन नहीं करता है ना, इनसाइड एंटर नहीं होता। नेक्स्ट होता है इंट्रा एपिथेलियल, यह मेनली फर्स्ट जो है एपिथेलियल लेयर जो रहेगी उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, ये डायग्राम जो नॉर्मल बता रहा है कि एक नॉर्मल लेयर है सेल की, वन अबनॉर्मल सेल सराउंडिंग बाय नॉर्मल हेल्थी सेल के अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इस लेयर के अंदर अबनॉर्मल सेल डिवाइड टू क्रिएट मोर अबनॉर्मल सेल। एक जो सेल है इसके अंदर अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है और यह मोर अबनॉर्मल सेल को डेवलप करती है, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, उस लेयर के अंदर ही कंटिन्यू डिवीजन होके डेवलप करता है कार्सिनोमा इन सिट्यू। जो एपिथेलियल लेयर है ये केवल उसी के अंदर ही
प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे नियर बाय जो स्ट्रक्चर है ये है, उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा, ठीक। ये सेल, ये जो सेल है ये बाद में कन्वर्ट होती है इन्वेसिव कार्सिनोमा। इन्वेसिव कार्सिनोमा का मीन्स कि जो सेल है यह इन्वेड होती है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर, और जो उनका एरिया है उसको कवर करती है, या एरिया अगर प्रॉपरली नहीं आता तो उसको डिस्ट्रक्ट करेगी। अब नॉर्मल जो ये सेल है, एक अबनॉर्मल जो सेल है इसके अंदर अबनॉर्मलिटी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट ये सेल क्या करती है, लॉस ऑफ पॉलरिटी। इस सेल का पॉलर सिस्टम जो रहेगा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इसकी पॉलरिटी जो रहेगी यह डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और साथ में प्लीमॉर्फिज्म रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है यह साइज और शेप के अंदर चेंजेस होता है, और जैसे जैसे ये ग्रोथ करती है अपना, जब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, तो हर सेल का अलग साइज और शेप होता है। फिर इसका जो एन सी रेशियो होता है यह भी डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल 1:5 रहता है, यह 1:1 रह जाएगा। साथ में क्रोमेटिन जो है यह हाइपर क्रोमेटिज्म में चेंज हो जाते हैं, माइटोटिक फिगर इंक्रीज हो जाएगा, और ट्यूमर सेल्स जो है ये जाइंट सेल का डेवलप होगी, और इनका जो फंक्शनल लेवल है यह भी चेंजेस हो जाता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज भी डेवलप होगी। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ कार्सिनोमा इन सीट्यू। तो एग्जांपल के अंदर फर्स्ट जो है सर्वाइकल स्क्यूमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स जो रहेंगे, जिसे प्रीवियसली हम कहते थे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया, है ना, इज ए फॉर्म ऑफ डिसप्लेसिया दैट कैन प्रोग्रेस टू सर्वाइकल कैंसर। जो सर्विक्स की स्क्यूमस एपिथीलियम है उसके अंदर जो अब डिसप्लास्टिक चेंजेस डेवलप होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सर्विक्स। नेक्स्ट होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीट्यू, जो मेनली ब्रेस्ट जो रहेंगे उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट होता है बोवन डिजीज। बोवन डिजीज जो है स्क्यूमस कार्सिनोमा इन सीट्यू ऑफ द स्किन है। नेक्स्ट होता है कॉलोन पॉलिप, है ना, कॉलोन पॉलिप जो है यह मेनली कॉलोन कैंसर के अंदर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट होता है हाई ग्रेड प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया, ठीक है, यह आगे जाके डेवलप करेगा कैंसर इन प्रोस्टेट के अंदर। नेक्स्ट होता है ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा, ठीक है। ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा जो है यह मेनली लंग्स के अंदर पाया जाता है, जो डायरेक्टली जो पर्सन है उसकी हेल्थ स्टेटस को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है कार्सिनोमा इन सीट्यू का, मेनली ये एक पर्टिकुलर एक एपिथेलियल इंट्रा एपिथेलियल ग्रोथ होती है, तो इसको रिमूव करना जरूरी है, इससे लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो रहते हैं जैसे कॉलोन पॉलिप्स, है ना, या पॉलीपॉइड ट्यूमर्स ऑफ द ब्लैडर, इसको तो हम एंडोस्कोपिक थ्रू रिसेक्शन प्रोसेस के रिमूव कर सकते हैं। कुछ है जिसके लिए एक्सीजन देना पड़ता है, जैसे डिस्प्लेसिया ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स, तो हम इसके लिए एक्सीजन कट इट आउट करेंगे या लेज़र जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। बोवन डिजीज जो जो रहेगी मेनली स्किन की, इसको भी बाय एक्सीजन करेंगे। और कुछ जैसे कि अपन बात करते हैं जैसे ब्रेस्ट के अंदर, है ना, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, तो इसके लिए मेजर सर्जरी और रेडियोथेरेपी का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि नॉर्मल जो कैंसरस सेल है
यह एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है वाया सर्कुलेटरी सिस्टम और वहाँ पे एक ट्यूमर का डेवलप करती है। ठीक है, मेटा डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए ट्यूमर सेल लीव द प्राइमरी ट्यूमर ट्रेवल टू डिस्टेंट साइट वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एस्टेब्लिश ए सेकेंडरी ट्यूमर। कि मेटास्टेसिस एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो सेल होती है प्राइमरी सेल मतलब एक फर्स्ट साइट पे जहाँ पे कैंसरस सेल होगी, यह अपना जो प्लेस है वहाँ से हटके एक दूसरे डिस्टेंट एरिया पे, इट मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे ट्रांसफ़र होती है वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम और वहाँ पे जाके एक ट्यूमर का डेवलपमेंट करती है, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं रूट ऑफ मेटास्टेसिस। रूट ऑफ मेटास्टेसिस के अंदर फर्स्ट जो है थ्रू द बॉडी वॉल इनटू द एब्डोमिनल वॉल एंड चेस्ट कैविटी, इसके अंदर होता है ट्रांससिलोमिक स्प्रेड मेनली ट्रांसफ़र होएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो सिरोसल वॉल जो रहेगा सिलोमिक कैविटी का, उसके अंदर ट्यूमर फ्रेगमेंट्स अटैच हो जाएंगे, इन्वेड होंगे और फिर उसके बाद ये सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू अदर साइड पे इम्प्लांटेड हो जाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ट्रांससिलोमिक स्प्रेड। क्लियर, इट मींस क्या होता है जो नॉर्मल सिलोमिक जो कैविटी है उसकी मेम्ब्रेन के साथ जो ट्यूमर का क्लस्टर है वह अटैच हो जाएगा और उसके बाद जो सिलोमिक फ्लूइड रहेगा उसके थ्रू वह दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, लाइक कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, है ना, जो सीडिंग टू बोथ ओवरीज, है ना, या कार्सिनोमा ओवरी जो स्प्रेड होता है, जो भी पेरिटोनियल कवरिंग रहेगी उस ऑर्गन को करेगा, या कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस एंड ब्रेस्ट सीडिंग टू द प्लूरल या पेरिकार्डियम। ये एग्जांपल है ट्रांससिलोमिक। नेक्स्ट होता है थ्रू द लिम्फेटिक। लिम्फेटिक के अंदर क्या होता है कि लिम्फ वेसल्स जो रहेगी उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें जैसे कि फर्स्ट जो है ये जनरल मेनली लिम्फेटिक रूट जो होता है सार्कोमा वाले जो रहेंगे कैंसर्स उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो है या तो लिम्फेटिक परमीएबिलिटी के थ्रू मतलब डायरेक्टली लिम्फेटिक नोड्स या वेसल्स रहेगी, ये इन्वेड हो जाती है कैंसर सेल इनके अंदर और ये कंटिन्यू ग्रोथ होके ट्रांसफ़र कर देती है। एक होता है लिम्फेटिक एम्बोलाई, इसके अंदर क्या होता है मैलिग्नेंट सेल जो है यह डिटैच होके ट्यूमर से डिटैच होके लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर एज ए एम्बोलाई ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और ये रीजनल नोडल और फिर डिस्टेंट जो नोड्स रहेगी उसके अंदर चली जाएगी। ये मेनली वर्चू ने लिम्फेटिक नोड के थ्रू ट्रांसमिशन को बताया था। नेक्स्ट होता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डायरेक्ट ब्लड के अंदर ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस इसके अंदर कॉमन रूट रहेगा ट्रांसफ़र होने का, ये सिस्टमिक वेन के थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू या आर्टेरियल स्प्रेड या रिट्रोग्रेड स्प्रेड जो रहेगा यह सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसके ऊपर मेनली जो डिपेंड रहेगा ट्रांसमिशन का यह साइज़ क्या है सेल का और नॉर्मल साइज़ क्या है, ट्यूमर का साइज़ क्या रहेगा या इनका डिपॉजिट पैटर्न क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। ये देखिए ये नॉर्मल पैथोजेनेसिस है,
इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीट्यू, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीट्यू जो है वह सेकंड कन्वर्ट होता है इन्वेजन ऑफ द ट्यूमर बॉर्डर, जो ट्यूमर की बॉर्डर है उसके अंदर यह इन्वेजन करेगा, एंट्री करेगा। फिर सराउंडिंग जो लिम्फेटिक है सिस्टम उसके अंदर ये लिम्फ की जो वॉल है उसको डिस्टर्ब करके एंटर करता है, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड बोलते हैं इसको, या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये चला जाएगा। फिर उसके बाद यह अरेस्ट एक्स्ट्रा वेसन, मतलब जहाँ सेल का साइज ये कंटिन्यू मूव करता है, लेकिन जहाँ पे सेल का साइज क्या होगा ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू वेसल्स, तो ये वहाँ से निकल नहीं पाता वेसल्स के अंदर और उस एक पर्टिकुलर जगह पे ये इम्प्लांट हो जाता है, और उसके बाद ऑकल्ट होने की वजह से यह उस जगह में अरेस्ट होके और यहाँ कंटिन्यू इसका डिवीजन प्रेजेंट होता है। तब क्या होगा, नॉर्मल पहले ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये माइक्रो मेटास्टेसिस के अंदर चला जाएगा, और फिर उसके बाद यह है एक पर्टिकुलर जहाँ माइक्रो मेटास्टेसिस भी कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे यह कंटिन्यू एक जगह रुक के अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। और वहाँ पे प्रोग्रेसिव कॉलोनाइजेशन हो जाता है और एंजियोजेनेसिस प्रोसेस हो जाता है। इट मीन्स कंटिन्यू सेल डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज करती है और सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, ब्लड सप्लाई कंप्लीट करने के लिए एंजियोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वह भी कंटिन्यू रहेगा। इस पैथोजेनेसिस को हम सिंपल वर्ड में समझें तो फर्स्ट जो है ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट सेल जो है दैट अमर्ज ऑफ मेटास्टेटिक सब क्लोन, ठीक है। मतलब माइटोटिक डिवीजन होके अपनी जैसी क्लोन सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कंटिन्यू क्लोन सेल के डेवलपमेंट होने से एक्सपेंशन ऑफ द मेटास्टेटिक सब क्लोन डेवलप होता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू डिवीजन होने की वजह से एडिशंस ऑफ द क्लोन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्लोन सेल है यह बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। अटैच होने के बाद इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा। इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन रहने के बाद ये पास थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से पास होके एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक स्पेस के अंदर आएगी। फिर उसके बाद इंटरेक्ट विद द होस्ट लिम्फोइड सेल्स, जो कैंसरस सेल है मैलिग्नेंट सेल यह इंटरेक्ट होती है लिम्फोइड सेल से, ठीक है। लिम्फोइड स्प्रेड बोलेंगे फिर इसको। फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बोलाई, फिर ये जो मास लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा सेल का यह कंटिन्यूस लिम्फेटिक या ब्लड सिस्टम जो रहेगा उसके अंदर मूव करता रहेगा, और फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बोलाई रहेगा। फिर ये ट्यूमर ट्रेवल थ्रू द वस्कुलर स्पेस, वस्कुलर स्पेस के पास जाएगा। फिर एडिशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पे जो वेसल्स है इसके ल्यूमन में अगर स्पेस शॉर्ट पड़ जाएगा वहाँ पे ये क्या करेगी, अडहेर हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और उसके बाद एक्स्ट्रा वेस्टेशन डेवलप करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वेस्टेशन के अंदर यह जो है वापस इन्वेड करके आउटर साइड में आ जाती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगी, और वहाँ पे होमिंग ऑफ द मेटास्टेटिक डिपॉजिट करेगी। यह नॉर्मल रहता है पैटर्न। नाउ माई टॉपिक इज़ कम्प्लीट। थैंक यू फॉर क्लास।